कोरोना वायरस ने दूसरी लहर की तरह इस बार भी दायरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। नेताओं सितारों के बाद डॉक्टर भी अब बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, तो तीसरी लहर में डॉक्टरों पर भी कहर बरकर टूटा हुआ। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, वो अब संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि जब मरीजों की तादाद बढ़ेगी अस्पतालों में, तो ऐसी स्थिति में उनके ख्याल रखने के लिए कौन होगा अस्पतालों में मौजूद। सबसे ज्यादा स्थिति अगर खराब है तो पश्चिम बंगाल की। मुंबई में देखिए, संक्रमित डॉक्टरों के आंकड़े को हम दिखा रहे हैं। साइन अस्पताल में 98 डॉक्टर हैं, जेजे अस्पताल में 83, केईएम अस्पताल में 73 और नायर अस्पताल में आप समझिए 59। यानी ये आंकड़े आप समझिए अस्पतालों में डॉक्टरों की संख्या जो संक्रमित बताए जा रहे हैं। ऐसे में जब ये लहर आगे बढ़ रही है, खतरा और बढ़ रहा है, तो आखिरकार डॉक्टरों को कैसे इसमें सुरक्षित रखा जाए। सबसे प्राथमिकता तो यही होनी चाहिए ताकि जो मरीज वहां पहुंचे उनको वक्त पर इलाज मिल पाए।